पिछले साल फरवरी में कर्नाटक के एक शैक्षणिक संस्थान ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कैंपस में एंटर होने से रोका था। इसके बाद पूरे राज्य में हिजाब बैन के विरोध और समर्थन में कई प्रदर्शन हुए और ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। इन विरोध प्रदर्शन में मुस्कान नामक ये छात्रा सुर्खियों में आ गई। उस वक्त सोशल मीडिया पर मुस्कान खान पर निशाना साधते हुए कई फर्जी दावे शेयर किए गए। अभी हाल ही में ये कॉलाज शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जीन्स में दिख रही ये लड़की मुस्कान है, जो हिजाब बैन का विरोध कर रही थी लेकिन अब लंदन में जीन्स पहन रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ये कॉलाज इसी दावे के साथ शेयर किया। बहरहाल ऑल्ट न्यूज़ की जांच में सामने आया कि ये दावा बेबुनियाद है। ये तस्वीर गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 6 जून 2023 का ये ट्वीट मिला। ये तस्वीर रेडियो मिर्ची की रेडियो जॉकी साइमा ने ट्वीट की थी। वहीं ये हिजाब पहनी लड़की की तस्वीर मुस्कान खान की है, जिसे तब लिया गया था जब मुस्कान को कॉलेज में भगवा शॉल लिए हिंदू भीड़ ने पीछा किया था। वहीं मुस्कान के लंदन में होने के दावे को मुस्कान के पिता ने नकार दिया है। मुस्कान के पिता मोहम्मद हुसैन खान ने इंडिया टुडे को बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें निराधार हैं, मुस्कान कर्नाटक में ही है। यानी आरजे साइमा की ये तस्वीर मुस्कान खान की बताकर उन पर निशाना साधा गया। हालांकि कोई भी व्यक्ति को किस तरह का पहनावा पहनना चाहिए ये उसकी अपनी निजी सोच है और उस पर अन्य किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया बेतुकी है।